अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां नशे के लिए हत्या हुई है। दो नशेड़ियों ने सिर्फ 300 रुपए की स्मैक की पुड़िया के लिए अपने ही दोस्त की पत्थर से मुंह कुचलकर हत्या कर दी। सिर पर 8 से 10 वार कर हमलावर दोस्त को मरा समझकर भाग गए, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। गंभीर हालत में पुलिस ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां रविवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया। घटना उरवाई गेट सिंधिया नगर की है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमलावरों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों ने खुलासा किया है कि नशे के 300 रुपए नहीं देने पर विवाद हुआ और उसके सिर पर पत्थर पटक दिए। बहोड़ापुर थाना प्रभारी डॉक्टर संतोष यादव ने बताया कि शनिवार और रविवार दरमियानी रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि सिंधिया नगर और उरवाई गेट के बीच एक युवक घायल पड़ा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो पता चला कि घायल पर पत्थरों से हमला किया गया है। इसका पता चलते ही पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर घायल के पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि घायल सिंधिया नगर का रहने वाला नरेश कुशवाहा है। इसका पता चलते ही परिजन को सूचना दी तो पता चला कि नरेश स्मैक व अन्य सूखे नशे का आदि था। इसका पता चलते ही पुलिस ने संदेहियों की तलाश में एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि घटना से पहले घायल के साथ दो अन्य युवक भी थे जो एक्टिवा पर सवार थे। इसका पता चलते ही पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक्टिवा सवारों को तलाशते हुए जनकगंज पहुंची तो पता चला कि दोनों युवक मन्नू शर्मा और अमित शर्मा हैं और दोनों ही नशे के आदी थे। पुलिस ने जब पकड़े गए आरोपियों मन्नू शर्मा और अमित शर्मा को घेराबंदी कर हिरासत में लिया और उनको लेकर थाने आई, फिर पूछताछ की तो वह पुलिस को शुरू में गोल गोल घुमाकर कहानी सुनाते नजर आए, लेकिन जब पुलिस ने उनके सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो वह टूट गए। उन्होंने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस को बताया कि उन्होंने साथ साथ नशा किया था, लेकिन नशे के 300 रुपए नरेश दे नहीं रहा था तो मारपीट कर उस पर पत्थर पटक दिया। आरोपियों ने पुलिस अफसरों को बताया कि उन्होंने जब पत्थर पटके तो नरेश जमीन पर गिर पड़ा, वह खामोश हो गया था तो उसे मरा समझ कर वह वहां से भाग गए थे। बाद में पता लगा कि वह गंभीर घायल है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, जिसके बाद उन्हें लगा कि वह बच गया तो उसको सजा कम मिलेगी, पर अब उसकी मौत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में थाना प्रभारी बहोड़ापुर डॉक्टर संतोष यादव का कहना है कि नशे में लेन देन पर विवाद के बाद दो युवक ने अपने ही एक साथी की हत्या कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य मुखबिरान के उससे जो है यह ज्ञात हुआ कि दो व्यक्ति रात में एक्टिवा गाड़ी से उस रूट पे देखे गए थे, उन व्यक्तियों को तलाश किया गया तो दोनों व्यक्ति जो है एक अमित शर्मा और एक गोलू शर्मा जो है ये रहने वाले जनकगंज थाना क्षेत्र के थे, इनको तलाश किया गया। तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि ये जो है जनकगंज थाना क्षेत्र से बहोड़ापुर के एकांत एरिया में नशा वगैरह करने के लिए आते हैं, तो मुखबिर की सूचना पर से इनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया।